पहले क्वेश्चन आएगा साइकोलॉजी से कि साइकोलॉजी है नेचुरल साइंस है, फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है या सोशल साइंस। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए शिक्षा जी। साइकोलॉजी जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अगर ऑनलाइन है तो आंसर दे सकती हैं, आपको लिखने तक की भी आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को बता रहा था कि जैसा कि आज की लास्ट क्लास है तो आप मुझे यूट्यूब चैनल पर भी मेरे लेसन को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सोशल साइंस, ठीक है, प्लीज राइट आंसर। अगला है साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड। साइंस ऑफ माइंड यानी कि मन का विज्ञान। जी हाँ, मन का विज्ञान आपने सुना होगा, मन का विज्ञान। तो कौन से स्कूल ने इसे बताया है, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिस्ट, फंक्शनलिस्ट या एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर। मन का विज्ञान किन्होंने कहा, बी बिहेवियर। जी हाँ, सही उत्तर है आपका, नहीं साइंस ऑफ माइंड की बात कर रहा है, गलत हो गया आपका, ठीक है। तो दूसरे का सही उत्तर होगा साइको एनालिसिस, ठीक है, जो मनोविश्लेषणवादी थे, उन्होंने कहा था कि ये मन का विज्ञान, ठीक है, व्यवहार का विज्ञान कहेंगे व्यवहारवाद, ठीक है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मॉक टेस्ट है तो फटाफट करते हैं इसको कंप्लीट, काफी अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि एग्जाम में आता भी है और यूट्यूब चैनल में मेरे आ जाएगा आप सुनील जोशी जी करके है। आ रहा है भी ना, बहुत सारे एजुकेटर्स हो गए हैं तो अभी आप जो है केवल लेसन बनाए मेरे फ्री लेसन, आप अकेडमी की लर्निंग ऐप जो आपकी फॉलो कीजिएगा उसमें और वहां पे जरूर एक्सेस कीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अच्छा मींस आपने सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं दिए ना, मतलब सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस को नहीं किया है, केवल अनअकैडमी से जुड़े हैं आप, कोई बात नहीं है, आप उसमें नहीं अगर जुड़ना चाह रहे हैं कोई बात नहीं है, आप YouTube में मेरा चैनल है उसमें भी लाइव क्लासेस होंगी आपके पूरे जुलाई तक का, मैं हाँ जुलाई तक का मैं क्लासेस लूंगा, ठीक है, तो वहां पे आ पाइएगा, लाइव क्लासेस होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है YouTube में क्लासेस, और मेरे चैनल को आप विजिट कीजिएगा, 250 करीबन वीडियोज हैं जो केवल आप लोगों के लिए, 250 वीडियोज कम नहीं होते हैं, उसमें प्रीवियस के क्वेश्चन भी शामिल हैं, कुछ आपका कहें कि लेसन्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल है और लेसन्स के माध्यम से मैंने आपको समझाया भी है, चाहे आपका कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आता हो, इंग्लिश में प्रॉब्लम आता हो, मैथमेटिक्स में, आपका बैकग्राउंड क्या है वैसे, आप आर्ट साइड से बिलोंग करते हैं या साइंस से या कौन से विषय की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएंगे तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। हाँ सी टेट आप पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड, और किसकी तैयारी कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, या बैकग्राउंड क्या आपका है, साइंस है या आर्ट्स है या कोई कॉमर्स है, कोई अन्य सब्जेक्ट, कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूपी से है या कहीं और से। क्योंकि आपका अगर साइंस है तो उसमें भी बहुत सारी कोर्सेज हैं आपके लिए, अच्छा बोथ पेपर है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर पहली बार ही शायद आप ये कोर्स भर रही हो तो पहली बार में आपका क्वालिफाई हो जाता है तो इससे अच्छी खुशी की बात तो कुछ नहीं होती है, ठीक है, तो इसके लिए आप मुझे यूट्यूब पर जरूर आप मिलिए, यूट्यूब में मेरे कोर्सेज को एक्सेस कीजिएगा, चैनल का नाम सुनील जोशी है, मेरे प्रोफाइल में भी आप देख सकते हैं सुनील जोशी जी करके चैनल है, इतना चैनल है, तो उसमें आप एक्सेस कीजिएगा और आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। तो साइंटिफिक साइकोलॉजी जो पढ़ी गई थी वो 1889 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है? ठीक है, अच्छा हाँ, तो अच्छी बात है, इंग्लिश मैथ्स भी है उसमें, ठीक है, मेनली साइंस से आप बिलोंग करते होंगे, तो इंग्लिश मैथ का तो है, मेरा कोर्स है उसमें पूरा, अनअकैडमी भी कोर्स है और उसमें भी है, ठीक है, सही उत्तर बताया आपने, ठीक है, क्योंकि ए और बी में यहाँ पे कंफ्यूजन है, विलियम वुंड ने किया था, क्योंकि प्रयोगशाला की स्थापना की थी, या सिमन फ्रेंड तो एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए थे, ठीक है। अगला, साइकोलॉजी कैन बी लिटरली डिफाइंड एज, तो साइकोलॉजी को आप लिटरली, लिटरली यानी कि शब्द के अर्थ पे किस तरह का आप डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, फिफ्थ का नहीं होगा, ठीक है, फिफ्थ का होगा आपका, आपने जैसे बी एड कर रहे हैं तो उसमें तो स्टार्टिंग में ही है, साइकोलॉजी का जो शब्द लिया गया था वो ग्रीक भाषा के साइकोस से लिया गया ना, साइको मीन्स होता है सोल, तो साइंस ऑफ सोल सबसे पहले कहा गया था, जो अरस्तु और अन्य कुछ दार्शनिकों ने इसको डिफाइन किया था ना, तो अरस्तु के अनुसार तो उन्होंने जब स्टार्ट किया था इसको, तो मन आत्मा का विज्ञान कहा था सबसे पहले, ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी, लिटरली कह रखा है ना यहाँ पर, अगर आज के समय में पूछा होता कि मीनिंग आजकल क्या है, तब आप कहते कि व्यवहार का विज्ञान किसे कहा जाता है, ठीक है, लेकिन लिटरली अगर शब्द सा, लिटरली मीन्स हो गया कि शब्द सा, ठीक है, शब्द के अर्थ अनुसार इसको कहा जाएगा आपका साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जेबी वॉट्स द फाउंडर एंड फादर ऑफ बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ, ठीक है, जेबी वॉटसन, ठीक है, जिन्हें व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है, एक तो क्वेश्चन आपका इसमें एक आंसर आपका एक और बन गया कि व्यवहारवाद का अगर जनक पूछा जाए तो आप क्या नाम लेंगे, जेबी वॉटसन, ठीक है, और उन्होंने साइकोलॉजी को किसके हिसाब से कहा, साइकोलॉजी को क्या माना उन्होंने, साइंस ऑफ सोल का, कॉन्शियसनेस, माइंड या बिहेवियर, इसका उत्तर बताइए जल्दी से, बहुत इजी है, सिक्स क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक तो जेबी वॉटसन ने इसे व्यवहार का विज्ञान कहा होगा ना, क्योंकि व्यवहारवादी थे तो व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। अगला है, एफ ई बी टिचनर डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ, तो टिचनर ने कौन सा इसको डिफाइंड किया, कॉन्शियस एक्सपीरियंस, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ एक्सपीरियंस, साइंस ऑफ थॉट, आपने पढ़ा है ई बी टिचनर को, मे बी ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड करके दिया था, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड या साइंस ऑफ माइंड भी कह सकते हैं, हाँ, तो इन्होंने जो अपना एक फॉर्मूला दिया था वो माइंड को बताया था इन्होंने, ठीक है, मन के जो भाग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसको डिफाइन किया था इन्होंने अपने शब्दों में, तो इसको कहा गया था साइंस ऑफ माइंड, ठीक है। हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इट्स एनवायरमेंट, ओके, एनवायरमेंट के रिलेशनशिप में इसने इसको डिफाइन किया था, एनवायरनमेंट के रिलेशन में, जेबी वॉटसन ने साइकोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट ना, एक्टिविटीज इन रिलेशनशिप टू इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप में ये बताया था दोस्तों, क्या बिल्कुल सही आपने बताया यहाँ पे वॉटसन, बहुत सही उत्तर। एसआर कॉन्सेप्ट, अब ये थोड़ा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है यहाँ पे, हालांकि आपने पढ़ा है इसको, मैं जानता हूँ, स्टिमुलस रिस्पांस, स्टिमुलस रिस्पांस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये किसने स्टेब्लिश किया सबसे पहले, हाँ एसआर इस कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, तो किसने स्टेब्लिश किया, बहुत बढ़िया,
क्योंकि जब मैंने पिछली बार इसको जब प्लस कोर्सेज में पढ़ाया था तो वहाँ पे स्टूडेंट्स इसका आंसर नहीं दे पाए थे कुछ, लेकिन आपने यहाँ पर सही लॉजिक लगाया कि एसआर कॉन्सेप्ट में मेनली थॉर्नडाइक का नाम आता है, ठीक है, थॉर्नडाइक का नाम आता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, एसआर कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय, किसने कहा था, वॉटसन ने, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिजेक्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एसआर कनेक्टिविज्म, क्योंकि जो मेरे मेन स्टूडेंट आते रहते हैं तो उसमें प्लस कोर्स में पार्थ गोस्वामी जी हैं, ठीक है, वो भी आते हैं, अभी मिस कर रहे होंगे, वो लाइव क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं करके भी पूछ रहे थे पहले, तो यूट्यूब में जल्दी मैं कुछ दिनों में लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा, शाम 7 बजे से वो स्टार्ट होंगी, तो आप भी आ सकते हैं उसमें, ठीक है, लाइव क्लासेस चलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, रिजेक्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एसआर कनेक्टिविज्म, एसआर कनेक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट को अगर रिजेक्ट किया था और एसओआर कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया, 10th का डी, एसओआर नहीं, सिगमंड फ्राइड ने नहीं दिया था ये, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स ये दिया था वुडवर्थ ने, विलियम वुडवर्थ ने 1927 में दिया था, उन्होंने कहा था कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स दिया लिया था, किसका प्रभाव, किस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का, इस पर प्रभाव पड़ेगा मेनली आपका जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो इन्होंने ऑर्गेनिज्म टर्म ऐड किया था, तो ये सही उत्तर इसका वुडवर्थ, ठीक है। तो बात नहीं, आप कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन अगर क्लियर कर लेंगे तो एग्जाम हॉल में परेशानी नहीं होगी, वहां पे क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे सही उत्तर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ, ठीक है, 9th का पावलोवी है, आपने, मैंने बोला था सही उत्तर बताया, आवाज तो प्रॉपर आ रही ना, क्योंकि इसका मैंने 9th का यही बोला था, 9th का डी, ठीक है। 11th में चले, तो 11वां प्रश्न है, हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस विद कॉन्सियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट, इमीडिएट एक्सपीरियंस के आधार पर किसने इसको जो है डिफाइन किया, इमीडिएट एक्सपीरियंस जो तुरंत अनुभव होते हैं, ठीक है, टिशनर ने, जेम्स ने, सिगमंड फ्रायड ने, या विलियम वुड ने, ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने, 11th का सी है सही उत्तर। और सीखा जी, इसकी मैं बताना चाहता हूँ कि आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है, आपको पता ही होगा, आप डाउनलोड करते होंगे ना, अपडेट्स में आता होगा आप लोगों के उसमें या डिस्कशन फोरम में, मैंने इसकी पूरी, इसमें तो मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मेन लिया आपने शायद अगर पहली क्लास मिस की होगी, तो इसमें मैंने पूरा, हाँ, इसमें पूरा साइकोलॉजी से लेके एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, एजुकेशन का उससे क्या संबंध है, ठीक है, स्कोप क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी के, अलग अलग ये सब मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है, तो पहली वाली स्पेशल क्लास भी आप मेरी देख सकते हैं इससे पहले की, और नहीं तो आपके पास पीडीएफ भी पड़ी हुई है, ठीक है, इसके बाद तभी मैं क्वेश्चन आंसर आपको अब करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास थी हमारी, ठीक है। 12वें का देखते हैं, हु इज द फाउंडर एंड प्रिंसिपल प्रोपोनेंट ऑफ साइको एनालिसिस, ये भी इजी क्वेश्चन आ गया है कि साइको एनालिसिस के फाउंडर कौन है, मेनली साइको एनालिसिस की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिशनर, जूंग या एडलर, 12th का आंसर बताइए जल्दी से, 12वें प्रश्न का, नहीं 12वें का होगा आपका सिगमंड फ्राइड, साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणवाद दिया था ना इन्होंने, साइको एनालिसिस उसी को कहते हैं, मनो विश्लेषणवाद दिया था आपका सिगमंड फ्राइड ने, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला है, हु इज द साइकोलॉजिस्ट हु कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट, पहला बौद्धिक परीक्षण किसने दिया था, जेम्स वॉटसन, मैकडूगल या बिना,
सही उत्तर बताइए, 13वें का कौन सा होगा उत्तर, 13वें प्रश्न का? जी हाँ, बहुत सही उत्तर बताया, वेरी गुड, अल्फ्रेड बिनेर, क्योंकि इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर भौतिक परीक्षण का सबसे पहले कह दिया था, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट टेस्ट बनाया था और कॉन्सेप्ट भी दिया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने सबसे पहले मानसिक आयु का, ये भी प्रश्न पूछा था, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो वो दिया था अल्फ्रेड बिनेर। ठीक है, वेरी गुड। Occurrence of O in SOR concept जो हमने अभी पढ़ा is responsible in regulating the behavior of O and making psychological activity complex, dynamic, fixed or puzzled। तो जो O होता है, ठीक है, organism का, वो किस तरह की psychological activity करवाता है, तो ये question आपके लिए थोड़ा कठिन होगा। तो ये होता है इसका puzzled activity। ठीक है, जैसे puzzle होता है ना, पजल गेम होता है, उसी तरह की एक्टिविटी भी क्या है करवाता है ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 14 का डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीथिंग विच इवोक्स अ रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, कुछ भी जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्स को बढ़ाएगा, रिस्पॉन्स को पैदा करता है, तो वो क्या है, स्टिमुलस। वेरी गुड। ये थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ गया था, अब ठीक है, रिज्यूम होगी। अब दिखाई दे रहा आपको लाइट प्रॉपरली, वीडियो दिखाई दे रही, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, द मेथड of field observation, the method of field observation is always considered as, जो field observation की method है उसको हमेशा किस तरह दिखाया जाता है, subjective, complex, new, बार बार network चले जा रहे हैं, चलिए ठीक है। तो फील्ड ऑब्जर्वेशन की मेथड को आप कैसा कहते हैं, सब्जेक्टिव कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं, न्यूट्रल या ऑब्जेक्टिव? जो भ्रमण करवाए जाते हैं, भ्रमण अवलोकन भ्रमण करवाए जाते हैं बच्चों को, वो मेनली किसके लिए इम्पोर्टेंट है? नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, जटिल मेथड थोड़ा ना है, जटिल मेथड है क्या, बच्चों को समझना कठिन होता है फील्ड ऑब्जर्वेशन में? ये होगी आपका ऑब्जेक्टिव, कोई उद्देश्य संबंधित होती है ना, तो उद्देश्य संबंधित होती है कोई भी मेथड, तो यहाँ पर सही उत्तर उत्तर हो जाएगा आपका, क्या होगा सही उत्तर, डी। ठीक है प्रिया जी, आपका भी स्वागत है, क्लास चल रही है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी में, तो आप भी आंसर इसमें दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, टू स्टडी एबनॉर्मल साइकोलॉजी। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी का क्या है, टू स्टडी मेनली द नेचर ऑफ नॉर्मलिटी ऑफ माइंड, अनकॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल है, एबनॉर्मलिटी ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप बहुत इजीली बता देंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसा नाम से पता चल रहा था हमें, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, तो एबनॉर्मलिटी ऑफ माइंड वो ही बताएगी। ठीक है, अगला है क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विद द प्रैक्टिस एस्पेक्ट ऑफ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी उपचारात्मक जो मनोविज्ञान है वो किसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है? ठीक है, प्रयोगात्मक पहलू किसका है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी का, एजुकेशनल है, चाइल्ड या नो वन? तो इसका जो सही उत्तर होता है वो बता दो आपको, एबनॉर्मल साइकोलॉजी ही होता है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी को सही करने के लिए, क्लिनिकल साइकोलॉजी नाम दिया जाता है, और ये वर्क करता है आपका एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी एक और इजी क्वेश्चन आया। ठीक है, वेरी गुड, सिगमंड फ्राइड इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टेस्ट इन साइकोलॉजी। ठीक है,
सिगमंड फ्राइड इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टेस, यानी कि किसका फादर बोला जाता है उनको, गेस्टाल्ट स्कूल का, बिहेवियरिस्ट स्कूल का, फंक्शनिस्ट स्कूल का, या साइको एनालिटिक स्कूल का? सिगमंड फ्राइड को कौन से स्कूल का फाउंडर कहा जाता है या जनक कहा जाता है? इजी है एकदम। डी, हाँ ये जी का उत्तर है डी, एकदम सही उत्तर है ये। ये है कि मनोविश्लेषणवाद का, ठीक है, अभी मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ और ये इम्पोर्टेंट भी है। जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर आपने भी बताया। हाँ सिखा जी, ठीक है, आपका भी उत्तर एकदम सही है। और अगर इसको आपने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, डिटेल में पढ़ना है तो मेरा एक अलग से कोर्स है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, अनअकैडमी में, ठीक है, आपके अनअकैडमी लर्निंग ऐप में सुनील चंद्र जोशी सर्च कीजिएगा, और उसमें मेरे 11 कोर्सेज हैं, ठीक है, जो केवल और केवल आपके टैट एग्जाम, जो सी टैट की तैयारी कर रहे हैं आप उसके लिए, और आगे अंडर टीचिंग एग्जाम में भी आपको वो हेल्प करेंगे, ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक अलग से कोर्स है, और आजकल मैं आप लोगों को पुराने प्रश्न उत्तर हल करवा रहा हूँ एक अलग कोर्स के माध्यम से, जो है प्रैक्टिस सेट फॉर सी टैट, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, उसमें सारे लेसन्स आपके लिए फ्री हैं। आप केवल अपनी लर्निंग ऐप में जाइए, सुनील चंद्र जोशी जो है देखिएगा, या सुनील जोशी भी देखेंगे तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी वहां पे, ठीक है, तो फॉलो कीजिएगा उसमें। और अंदर आपने केवल बहुत सारे कोर्सेज हैं, 11 कोर्सेज हैं, एक एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का है, आपका इंग्लिश का कोर्स है, लैंग्वेज का और पेडागोजी का कोर्स है, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप उनको देखिएगा, एक्सेस कीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या अपना यूट्यूब चैनल भी मेरे आप आ सकते हैं, वहां पर भी कह सकते हैं अगर आपको एक्सेस करने में कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये भी शायद आपने एविंगस नाम सुना है कि नहीं पता नहीं, एविंगस हैड डन द पायनियर एक्सपेरिमेंट, जो एविंगस हैं, ठीक है, साइकोलॉजी में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन मेनली बीएड के कोर्सेज में नहीं होता है, तो इनका पहला टेस्ट किसमें था, 20वीं का अगर आपने पढ़ा है तो बताइए इसके बारे में, 20 नंबर क्वेश्चन। अच्छा पढ़ा नहीं इसके बारे में, तो जो इबिनगस थे ना, इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले ना, इन्होंने किया था, हाँ ये परसेप्शन का जो था धारणा पे आधारित, जो पिछली मेरे पेड वाले कोर्सेज में था, ठीक है, उसमें भी अधिकतर छात्रों ने इसको दिया था, लेकिन सही उत्तर इसका मेमोरी, इनका जो पहला टेस्ट था, इन्होंने जो मेमोरी के लेवल है, स्तर है, वो बताया था, ठीक है, तो इनका पहला एक्सपेरिमेंट मेमोरी पे था, ठीक है, क्लियर, तो याद रखिएगा, मे बी आया तो नहीं अभी तक क्वेश्चन, क्या पता आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए इबिनगस का जो एक्सपेरिमेंट था पहला, वो मेमोरी पर याद है, ठीक है। अगला है साइंस इज इनवेरिबली, ठीक है, इनवेरिबली कैरेक्टराइज्ड बाय, तो साइंस किसके द्वारा जो है आप समझते हैं, ठीक है, मैथोलॉजी, उसकी थ्योरी, फैक्ट या हाइपोथेसिस, विज्ञान, ट्वेंटी वन का क्या लग रहा है आपको उत्तर? मैथोलॉजी, इनवेरिएबल, ठीक है, इनवेरिएबल कैरेक्टराइज्ड बाय उसकी जो मैथोलॉजी है, ठीक है, सी होगा इसका, हाँ आपने सही कहा कि उनके फैक्ट पर आधार होता है ना, कि जो फैक्ट है, तथ्य है, ठीक है, वो सत्य होते हैं उसके, यानी कि विज्ञान में जो भी कहा जाएगा वो सच कहा जाता है, यानी कि वो सत्य को ही मानता है जिसको आप एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, केवल उन्हीं को आप विज्ञान उन्हीं बातों को मानता है, तो फैक्ट यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है जनरली साइकोलॉजी डील्स विद, सामान्यतः मनोविज्ञान
किससे के बारे में बताता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटेलिजेंट, या फंडामेंटल ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी? यह फंडामेंटल एक आधारभूत है सारी मनोविज्ञान की, जो जो भी शाखाएं हैं। बिल्कुल बहुत सही आपने बताया कि ये अन्य सभी के क्या है कि फंडामेंटल है। वेरी गुड। मतलब जहां पे आपको डिटेल में कुछ जानना होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? वरना कुछ कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम जल्दी से, क्योंकि समय कम होता है, तो जल्दी से कवर करेंगे, ठीक है? ताकि आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजीज, अब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी औद्योगिक मनोविज्ञान की बात कर रहा है, तो ये किस तरह की है? थ्योरेटिकल है, अप्लाइड है, एजुकेशनल है, एबनॉर्मल है? किस तरह का मनोविज्ञान है औद्योगिक मनोविज्ञान? एजुकेशनल नहीं, औद्योगिक जो मनोविज्ञान है वो आएगा अप्लाइड साइकोलॉजी में। उद्योग में आप क्या करते हैं, जब भी किसी भी विषय का कमर्शियली यूज होता है, ठीक है, जब आप उसे पैसे कमाने के लिए एक तरह से कह सकते हैं या व्यवसाय के लिए यूज कर रहे हैं, तब वो अप्लाइड में आ जाता है, ठीक है? उसके नियमों को अप्लाई करके आप कुछ अर्निंग कर रहे हैं, तो औद्योगिक मनोविज्ञान में क्या आएगा? अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है? बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है? समझ में आया? ये औद्योगिक साइकोलॉजी को हम अप्लाइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें एप्लीकेशंस को यूज करके कुछ अर्निंग्स की जाएगी या कुछ विशेष समस्या का हल किया जाएगा, ठीक है? चलिए, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज, तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या पढ़ाती है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी विकासात्मक मनोविज्ञान। 24th का जल्दी से उत्तर दीजिए। बहुत सही उत्तर है, ठीक है? कि अलग-अलग स्टेजेस को बताएगी, कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी तो मनुष्य के विकास को बताएगी। बहुत सही। एबनॉर्मल साइकोलॉजी, अब एबनॉर्मल साइकोलॉजी में क्या होगा? ये आप विकासात्मक स्तर को देखेंगे। एबनॉर्मल बिहेवियर एंड इट्स कॉजेस। वेरी गुड, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी, अब सोशल साइकोलॉजी का बताइए। देखिए, प्रैक्टिस करते रहते हैं तो कुछ क्वेश्चन समय आते हैं तो अच्छा भी लगता है, ठीक है? जल्दी से भी उत्तर हो जाता है। बी, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस इन सोशल सिचुएशन। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए अगला क्वेश्चन। साइकोलॉजी इज द साइंस स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ। ट्वेंटी 7 का मनोविज्ञान, हाँ वेलकम। 27 का बताइए, मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान है जो व्यवहार को बताता है। किसके व्यवहार को बताता है, किसके व्यवहार को स्टडी करते हैं हम? लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही, वेरी गुड। सम ऑफ द मोस्ट यूजफुल नॉलेज ऑफ ह्यूमन परसेप्शन हैज बोरोड फ्रॉम टेस्ट। जो कुछ ज्ञान है, ठीक है, मानवीय धारणाओं का, इससे जो है खरीदा गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन का बताइए। अ मेजर पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज। किसका वेवर आप जानते हैं? बी ना, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ड्यूटेड इन अंडरस्टैंडिंग मेजर पार्ट। हाँ बिल्कुल, एडोलिसेंस। यह साइकोलॉजी इज ड्यूटेड टू अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है? कि बच्चों के व्यवहार के लिए आएगा। यहाँ पर हम ऐसे किशोरों को नहीं कह सकते, ठीक है? क्योंकि
डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में अलग अलग स्टेप जो दिए गए हैं बच्चों के, ये भी दिए गए हैं, ठीक है। किशोरावस्था में भी क्या आगे बच्चे ही तो आ जाएंगे, लेकिन आप एक को देखिए कि मेजर पार्ट कैसे होगा। जो 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा है, ठीक है, फिर 2 से 7 तक की स्टेज, फिर 7 से 11, तो 3 स्टेज तो आ रही है चिल्ड्रंस की, अगर आप किशोरों से अलग भी कर रहे हैं। केवल एक स्टेज आती है 11 से 1 तक किशोरावस्था की, ठीक है। तो ज्यादा पार्ट इसमें जब कहा जाएगा वो बच्चों के विकास आता है, तो तब आप बाल विकास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक सबसे उपयुक्त उत्तर मैं समझता हूँ, ये ए होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई डिस्कशन चाहते हैं आप? नहीं तो आप भी देखिए, अगर आप पियाजे के डेवलपमेंटल स्टेजेस को देखेंगे, काउंट भी करेंगे, तो वो ज्यादा आएंगी एज कम्पेयर टू किशोरावस्था, अगर आप उसे अलग से मान रहे हैं। नहीं तो ये बच्चों पर ही उसके एक ही उत्तर होगा, ठीक है। पूरा बाल विकास में ही चीज आ गई। अगला क्वेश्चन बढ़े। फ्रॉम द फॉलोइंग पायनियर्ड साइकोलॉजिस्ट हु इज एसोसिएटेड विद बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म के साथ कौन जुड़ा हुआ है? स्किनर, जेम्स, आर्नोल्ड, डेविड हल। थर्टी वन का आंसर क्या होगा? आर्नोल्ड ये बहुत सही। स्किनर, पावलो, थोंडाइक, ये सब क्या है? व्यवहारवादी हैं। जी हाँ। हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस? काफी लीजिए, फटाफट से उत्तर दीजिए। 32 का। सिगमंड फ्राइड, मनोविश्लेषणवाद। वॉल्फ गैंग कोहलर वाज एसोसिएटेड विद स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। कोहलर, ये पूरा नाम दिया गया है कोहलर का, आपने कोहलर नाम सुना होगा, तो ये किस स्कूल से संबंधित है? सोशल, गेस्टाल्ट, इंडस्ट्रियल या एजुकेशनल? 33।33 का गैस कीजिए अगर नहीं आता। ऐसे इजी, आपने अगर कोहलर को पढ़ा है तो इसका उत्तर दे सकते। जी हाँ, बहुत सही उत्तर है, क्योंकि ये क्या थे, गेस्टाल्टवादी थे। आपने इस हिसाब से आंसर दिया होगा, ने बहुत सही उत्तर दिया है। और इनका सिद्धांत क्या था, कौन सी थ्योरी इन्होंने दी थी कोहलर ने? कोहलर की थ्योरी का नाम बताइए। इनकी थी इनसाइट थ्योरी ना, सूझ का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। जिसमें इन्होंने क्या किया था, एक चिंपैंजी को कमरे में बंद करके अलग अलग तरीकों से, फिर जो भी उसने अपने दिमाग लगा के जो केला उससे दूर रख दिया था, ठीक है, उसको प्राप्त किया था। एक आपने उदाहरण पढ़ा होगा, ठीक है। तो सूझ का सिद्धांत जो था कोहलर का, पढ़ा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। द लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज कॉइंड बाय, इफेक्ट का लॉ किसने दिया था? जल्दी से उत्तर बताइए इसका। 34। थर्टी फोर्थ का क्या आंसर होगा? ये तो इजी क्वेश्चन है, 34 का आता है। दिखा जी, आप ऑनलाइन हैं? डी। जी हाँ, बहुत सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, आर्किटाइप इज अ टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद। आर्किटाइप जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? 35। फिफ्थ का क्या होगा?
नहीं आता, चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। आप सिंपली एन भी लिख सकते हैं। आपने नाम सुना होगा यहाँ पे, ठीक है, जो अलग अलग इन्होंने टर्मिनोलॉजी दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है आर्किटेक्ट। टर्मिनोलॉजी जो जुड़ी हुई थी वो जुड़ी है यहाँ पे। इसका है, मैं आपको बताता हूँ इसका सही उत्तर। एक सेकेंड, ये क्रैशमर का सिद्धांत तो था, ये एक बिहेवियर से संबंधित होता है, ठीक है, व्यवहार को जो मेनली दिखाता है। तो व्यवहार के जो सिद्धांत दिए थे वो किसने दिए थे? जुंग ने, फ्रेड ने, एडलर ने या स्किनर ने, ठीक है। उसका जो टर्मिनोलॉजी की बात अगर की जाए, ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी किसने दिया होगा? तो ये दी थी जुंग ने, दी थी, ठीक है, ये था क्योंकि इन्होंने जो दिया था, ठीक है, एक व्यवहार को बताने के लिए, ठीक है, एक तरह से ये लिटरेचर की डेफिनेशन थी, ठीक है, जो ये बताती थी कि एक टिपिकल किसी भी कैरेक्टर को बताती, किसी के कोई एक्शन, ठीक है, कोई सिचुएशन के बारे में, ठीक है, या कोई पैटर्न है ह्यूमन नेचर का, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। यानी कि जो हमारे अचेतन मन है, ठीक है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, उसका नाम दिया था, ठीक है, तो समझिए। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है आर्किटेप का, वो किसका क्या होता है, सही हो जाएगा उत्तर, वो हो जाएगा आपका जूम, ठीक है। तो 35th का आंसर है ए, जी हाँ। हु एस्टेब्लिश, अगला प्रश्न है, हु एस्टेब्लिश द एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। जल्दी से एक बार सोच के बताइए इसका उत्तर, सही से क्या होगा इसका उत्तर? इजी क्वेश्चन है, कई बार आता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है आपके, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नहीं, अभी तक आपने सही नहीं दिया है। अरे नहीं, स्किनर ने कहा, स्किनर तो काफी बाद में आए थे, व्यवहारवादी है ना वो। तो जो पहला एक्सपेरिमेंटल आपने अमेरिका में विलियम वुड ने नहीं करी थी इसकी स्थापना, पहली प्रयोगशाला विलियम वुड, ठीक है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु इज द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर इन इनसाइटफुल लर्निंग? इनसाइटफुल लर्निंग, इनसाइटफुल लर्निंग में किसका योगदान है? सूझ के साथ सीखना, किसने बताया था सूझ द्वारा सीखना? बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत अच्छा। द मोस्ट पायनियर कंट्रीब्यूटर टू बिहेवियरल स्कूल, बिहेवियरल स्कूल का सबसे पहले योगदान करता कौन थे? व्यवहारवादी स्कूल के, ठीक है, व्यवहारवादी स्कूल, व्यवहारवाद के जनक कौन थे? नहीं, व्यवहारवाद कह रहा है, व्यवहारवाद का होगा वाटसन, ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। जब साइको एनालिसिस की बात करी जाएगी, मनोविश्लेषण की बात करी जाएगी, वहां पर आएंगे हमारे सिगमंड फ्राइड, और जहां पर भी व्यवहार की बात की जाएगी वहां पर आएगा वॉटसन, ठीक है, जेबी वॉटसन। विलियम वुंड एस्टेब्लिश द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी है, तो पहली एक्सपेरिमेंट है, तो ये देखिए उसी क्वेश्चन का एक दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है। जो पहली साइकोलॉजिकल
डेवलपमेंट हुई थी वो किस जगह पे हुई थी? प्लेस इसका बताना है। गैस कर सकते हैं आप, आपने 39 का गैस कर सकते हैं, लेकिन ये मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये था लिप्जिंग। लिप्जिंग जर्मनी में था, ठीक है, ये जो करी थी उन्होंने जर्मनी में इस्तेमाल की थी, ठीक है। हो सकता है कभी जर्मनी करके लिख के दे दे तो आपको बताना चाहिए। इसका सही उत्तर यहाँ पे जो है, उत्तर सही है वो है जर्मनी का लिप्जिंग। फ्रॉम द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट हु रिजेक्टेड इंट्रोस्पेक्शन एज ए मेथड ऑफ साइकोलॉजी। इंट्रोस्पेक्शन को, स्वज्ञान को जिन्होंने रिजेक्ट किया था। नहीं आता, चलिए कोई बात नहीं। तो इंट्रोस्पेक्शन को जिन्होंने रिजेक्ट किया था, ठीक है, जो सही उत्तर है वो है इसका कैटल, ठीक है। तो इन्होंने इसको रिजेक्ट किया था, ठीक है। अब अगला है, इन विच मेथड, कौन सी विधि में, इन विच मेथड ऑफ स्टडी साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इंपोर्टेंट होंगे। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल तो समझते होंगे आप, तो इसमें कौन सी मेथड में ये जो है महत्वपूर्ण होंगे? इंट्रोस्पेक्शन में, एक्सपेरिमेंटल में, ऑब्जर्वेशन में? इसको तो गैस करके भी आप बता सकते हैं मेनली। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ये मेनली मैं बता देता हूँ कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, डिपेंडेंट यानी कि जो किसी पर निर्भर है, यानी कि इंडिपेंडेंट जो तत्व है वो क्या होगा, किसी और पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन जो डिपेंडेंट है वो स्वतंत्र चर पर निर्भर करेगा। आप इसको मान सकती हैं ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना, ठीक है। तो तापमान क्या है, इंडिपेंडेंट है उसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तापमान जैसे जैसे ऊंचाई कम ज्यादा होगी तो उससे तापमान पे असर पड़ता है, ठीक है। ऊंचाई बढ़ते बढ़ते तापमान घटते रहता है ना। तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्या हो जाएगा, ऊंचाई, और इंडिपेंडेंट हो जाएगा आपका तापमान, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड में होता है इसका, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडेस मेथड ऑफ स्टडी इन साइकोलॉजी पैसिव स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज यूज्ड। तो पैसिव जब स्टडी करी जाती है तो उसको कहा जाता है दोस्तों इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, इन द सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट ई मैनिपुलेट्स, ठीक है। तो ई मैनिपुलेट्स करता है वन वेरिएबल में, टू में, थ्री में, या फोर में? एक्सपेरिमेंटल मेथड में अगर ई को मैनिपुलेट करें, ठीक है, तो होता है तीन वेरिएबल्स में। व्हाट इज कॉल्ड व्हेन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्क्स इन एन एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन? जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज्यादा स्वतंत्र जो वाहक हैं वो किसी एक्सपेरिमेंट में करते हैं। एका डेटा मींस, तो 44 में क्या कह रहा है कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर काम कर रहे हैं ना, तो जो आपका एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन है, जो 42 वाले का, हाँ 42 वाले का ये था, ठीक है,
43 का सी था और 44 का है आपका, जब एक्सपेरिमेंट सिचुएशन में एक से ज्यादा करेंगे तो उसको क्या कहेंगे आप? मल्टी, अपने आप ही नाम ही बता रहा है ना कि एक से ज्यादा के लिए आप मल्टी वर्ड यूज करते हैं, तो मल्टी सिचुएशनल इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब आपका फिर से प्रश्न आ रहा है कि हु हैज बीन कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ, अच्छा डिटेल 42 का इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन तो वही हो गया ना कि स्व का ज्ञान, ठीक है, या आप जब परीक्षण करते हैं किसी का, ठीक है, मतलब आपने क्या किया, इंट्रोस्पेक्शन के लिए गए थे, कहते हैं ना परीक्षण करना होता है, या आप मेनली निरीक्षण के आ रहे हैं, कहते हैं ना टीचर्स स्कूल में, जैसे कोई अदर स्कूल से आते हैं, तो वो इंट्रोस्पेक्शन ही होता है, यानी कि आप निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, ठीक है, जांचना हो गया। जब आप ह्यूमन बिहेवियर को जांचते हैं किसी के, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ या दोबारा समझाना है? इंट्रोस्पेक्शन समझ में आ गया आपके कि इंट्रोस्पेक्शन किसे कहते हैं? पहले निरीक्षण करना, जब आप ह्यूमन बिहेवियर का निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, मानवीय व्यवहार का निरीक्षण करेंगे तो उसे ही इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट 45 क्वेश्चन देखिए। हु हैज बीन कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस मेथड। तो ये तो बहुत इजी है, सिगमंड फ्राइड, कई बार ये क्वेश्चन आ गया है और इम्पोर्टेंट है। हु हैज बीन क्रेडिटेड एज द फर्स्ट डेवलपर ऑफ फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट एंड हु मेड मोस्ट कंट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थॉट प्रोसेस। तो यहाँ पर भी वही है कि लंबा पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन का जो सार है वही है कि किसने सबसे पहले इंटेलिजेंट टेस्ट डेवलप किया था। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इन उत्तरों में, एल्फ्रेड बीन। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट्स। हाँ दिव्या जी, आपका भी स्वागत है, कैसी हैं आप? तैयारी सही चल रही होगी आपकी, अब क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। ठीक है, द कॉन्सेप्ट लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद। ठीक है, जो इंट्रोस्पेक्शन है यानी कि निरीक्षण है, और कॉन्शियस एक्सपीरियंस है जो आपके चेतन मन के द्वारा अनुभव है, वो किससे जुड़े हुए हैं? ये दो चीजें किससे जुड़ी हुई है? फंक्शनलिज्म यानी कि क्रियात्मकता से, व्यवहारवाद से, स्ट्रक्चरलिज्म या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से? कॉन्शियस एक्सपीरियंस गेस कर सकते हैं आप लोग? 47 का क्या होगा? बी बिहेवियरिज्म, या दिव्या जी का क्या उत्तर है? इसका सही उत्तर यही है कि ये जो चुना है, ठीक है, यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन निरीक्षण और जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है वो स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद में आता है। ठीक है, अ प्रोविजनल थ्योरी टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व फैक्ट इज नोन एज। जब आपने किसी भी थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, जो जो भी आपने देखा हुआ फैक्ट है, ठीक है, जो भी आप चीज ने देखा हुआ है, ठीक है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्ट थ्योरी या हाइपोथेसिस या इवोल्यूशन? जब आपने देखे हुए फैक्ट को एक्सप्लेन करना है, तो आपने कोई कारण देखा तो उसको आप क्या करते हैं, थ्योरी के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। जी हाँ, एकदम सही उत्तर बताया, वेरी गुड। अगला है, इज द लीस्ट नोटिसेबल वैल्यू ऑफ स्टिमुलस, यानी किसी प्रेरक की सबसे कम वैल्यू है, सबसे कम जो नोटिस किया गया वो सबसे कम क्या है? स्टिमुलस थ्रेशोल्ड, रिस्पॉन्स थ्रेशोल्ड, हाइपोथेसिस या प्रॉब्लम? तो इसमें क्या होगा, जो आपका भी अगर
अब मैं बता देता हूँ उसको। दिव्या जी का उत्तर नहीं आया कि मतलब सबसे कम जो प्रेरक है, सबसे कम प्रेरक जो मानता है, ठीक है, वो मानता है इसको कि हाइपोथेसिस, परिकल्पना नहीं कर सकते। आपको कोई भी स्विच हुएगी, आप थॉट नहीं बनाएंगे कि अरे मैं हाथ हटाऊं या ना हटाऊं, ठीक है, तो आप एकदम सडनली हाथ हटा देंगे अपना, ठीक है। आपको जैसे मान लीजिए किसी गर्म चीज में हाथ लग जाता है, तो एकदम से आप ऐसे हाथ हटा देते, तो वहां पर परिकल्पना का जो है नहीं, यहाँ पे ज्यादा स्थान होता है, ठीक है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस ट्राइज टू एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स यूनिट्स एक्वायर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मेनली थ्रू इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन, ठीक है। तो कौन सी अप्रोच आप अपनाते हैं जब SR यूनिट को आपने डिफाइन करना होता है? तो SR यूनिट को यहाँ पर डिफाइन करने के लिए आप मेनली क्या करते हैं? फिफ्टी का क्वेश्चन, 50 नंबर, सी स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियरिस्ट अप्रोच, सही उत्तर है। नेक्स्ट, अप्रोच डैश अप्रोच इज रूटेड इन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो कौन सी अप्रोच जो अपनाई जाती है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में? इजी क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट वादी क्या मानते थे? गेस्टाल्ट आपने पढ़ा होगा पूरा ना, होलिस्टिक अप्रोच, संपूर्ण को मानते थे ना। आपने पूरे तो पूरी बीएड कर रहे हैं, अभी थ्योरी पढ़ी होगी आपने पूरी गेस्टाल्ट थ्योरी, तो इसमें क्या बनाते थे, संपूर्ण को मानते थे। ये कहते थे कि छोटे छोटे पदों से एक संपूर्ण बड़ा होता है, ठीक है। इन्होंने ही कक्षा में क्या था कि बच्चों को छोटे छोटे शब्द सिखाने के बजाय उन्हें वाक्य समझाए, ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए थे। तो होलिस्टिक अप्रोच क्या बनाते थे कि पूरा संपूर्ण, गेस्टाल्ट आई स्पॉट से, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण। डैश अप्रोच इम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ इंस्टिंक्चुअल प्रोसेसेस एंड देयर मॉडिफिकेशन इन द कोर्स ऑफ इंटरेक्शन विद द सोसाइटी। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सी अप्रोच इम्फेसाइज करती है कि जो मॉडिफिकेशन करना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए सोसाइटी के साथ। कौन सी ऐसी अप्रोच है? सोसाइटी की बात कर रहा है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डायनेमिक एंड साइकोनेटिक अप्रोच, ठीक है। जब आप कोई डायनेमिक अप्रोच अपनाएंगे या मनोविश्लेषण बात करेंगे, तो वो बताता था कि किस तरह से मॉडिफाई कर सकता है कोई इंटरेक्शन, या सोशल इंटरेक्शन को हम किस तरह से इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। द सिस्टम विच स्टिल सर्वाइव्स वेरी नियरली एंड इट्स रिजिड फॉर्म्स इज, ठीक है, जो सबसे ज्यादा समय तक सरवाइव करेगा और अभी भी अपनी क्या है, कठोर अवस्था में है। हाँ बिल्कुल सही उत्तर है, कॉग्निटिव अप्रोच, वेरी गुड। क्योंकि ज्ञानात्मक पक्ष क्या है, अभी भी वो उसी अवस्था में और उसको कठोर फॉर्म में ही माना जाता है। साइकोलॉजिस्ट विद बिहेवियरल बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ट्राई टू रिलेट बिहेवियर टू फंक्शन ऑफ, बिहेवियर ऑफ सोल, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वाले, बायोलॉजी वाले क्या मानेंगे, जीव विज्ञान वाले। हाँ एकदम सही उत्तर माना बॉडी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को मानने वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको मानेंगे। पर्सपेक्टिव विच इज कंसर्न्ड विद कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस दैट अकर इन पीपल एज दे मैच्योर इज नोन एज, जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे लोग, कौन सा उनमें डेवलपमेंटल मैच्योरनेस आएगी?
डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव्स दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड साइकोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय. तो सबसे पहले वर्ड साइकोलॉजी किसने दिया था? थोड़ा आपके लिए कठिन हो सकता है, तो इसका सही उत्तर है विलियम जेम्स. ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले जो है वर्ड साइकोलॉजी दिया था, और इन्हें अमेरिका में मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है. ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए उतना. विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर? द एनिमल बिहेवियर कौन सी ब्रांच बताती है? ये आ जाएगा ए, बिल्कुल सही बताया आपने, सोशल बिहेवियर. ठीक है, वुडवर्थ अप्रोच टू डिफाइन साइकोलॉजी. वुडवर्थ की जो अप्रोच थी वो कैसी थी साइकोलॉजी को डिफाइन करने की? ये मे बी कंसिडर होता है डायनेमिक अप्रोच उनकी. ठीक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फाउंडर कौन थे? फाउंडर कौन थे इनके? कोहलर? नहीं, कोहलर नहीं, कोहलर होगा, मिली कोहलर नहीं है. इसके जो ये जो कोफका है, वर्डमायर है, ये लिविन है, ये कोहलर, ये क्या थे इसके पार्ट थे, गेस्टल साइकोलॉजी थी, ये चारों ने मिलके बनाई थी. तो इसके लेकिन जो फाउंडर थे वो थे वर्डमेयर, वर्दीमियर, आपने नाम भी सुना होगा. ठीक है, आपके इसमें चैप्टर में होगा, ये इसको पढ़ लीजिएगा, शायद अभी आपने पढ़ा ना हो. तो गेस्टल साइकोलॉजी में वर्डमेयर, ठीक है, इनके जो फाउंडर थे वो वर्दीमियर. अगला है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द पोटेंशियल रोल ऑफ इवोल्यूशन इन बिहेवियर. इवोल्यूशन कौन सा साइकोलॉजी बताएगा? तो यहाँ पर सीधे सीधे सही उत्तर हो जाएगा आपका, जब बात करी जाएगी, जी हाँ, इवोल्यूशन की बात की तो इवोल्यूशन साइकोलॉजी इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही बताया आपने. नेक्स्ट देखेंगे, विच पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी एम्फसाइजिंग द ओवर्ट बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल? ओवर्ट बिहेवियर कौन बताएगा? अब जब बिहेवियर को समझने की बात कर रहे हैं तो बिहेवियरिस्ट, बिल्कुल सही. थॉट प्रोसेस इज द मेन कंपोनेंट. थॉट प्रोसेस किसका मेन कंपोनेंट है? वैचारिक क्षमता, वैचारिक क्षमता, वैचारिक प्रक्रिया, जो विचारों को मानेगा. कॉग्निटिव हो जाएगा ना सीधे सीधे, क्योंकि थॉट किसमें आते हैं? हमारे ज्ञान, ज्ञानात्मक पक्ष में. तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान. ठीक है, अगला है, पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन द चेंज इन बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस ओवर द लाइफ स्पैन. पूरे जीवन में अगर आप इनकी बात करें तो क्या क्या होगा इसका सही उत्तर? जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं व्यवहार में और ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में, तो ये होगा आपका डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव. ठीक है, ये भी विकासात्मक जो है धारणा पर ही जो है बल देगा. ठीक है, तो ये आज की क्लास के कुछ प्रश्न थे. एन अकेडमी में अंतिम क्लास है, ठीक है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इससे आगे के क्वेश्चन जो हम करेंगे वो करेंगे यूट्यूब में करेंगे. ठीक है, तो आप वेट कीजिएगा, आप अभी मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तुरंत ही. ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबा लीजिएगा. लेकिन जैसे ही मैं एक आध दिनों में क्लासेस स्टार्ट करूंगा एक क्रमबद्ध तरीके से, तो फिर मैं आप लोगों को वहाँ पे पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो इससे आगे क्वेश्चन हम वहाँ पर करेंगे, काफी क्वेश्चन है अभी. ठीक है, आज भी हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं, और वैसे तो 50 क्वेश्चन तक का था, एक घंटे में इतने हो जाते हैं, हमने तब भी जल्दी थोड़ा, आपने भी क्विक आंसर्स दिए, तो हम 64 तक पहुंच पाए, जिसकी मुझे बहुत खुशी है. ठीक है, तो शिखा जी यहाँ पे अभी थोड़ा बाहर काम भी चल रहा है, डिस्टर्बेंस भी होगा आपको, तो मिलते हैं आपसे अब, क्योंकि अकेडमी में सारी क्लासेस समाप्त हो गई है, लेकिन जब भी स्पेशल क्लासेस होंगी, फ्री क्लासेस होंगी, उसके बारे में आपको बताया जाएगा. ठीक है,
मिलते हैं आपसे अगले लेसन, ठीक है? आवाज आ रही है आपको?